हेलो फ्रेंड्स। सो इस पूरे सीरीज़ में हम डेवलप करने वाले हैं REST API। तो ये ओवरऑल REST API होगा क्या, और हम कैसे जानेंगे कि हमारे क्या क्या रिसोर्सेस हैं और हमारे क्या क्या यहाँ पे रिक्वेस्ट होनी चाहिए। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन के लिए REST API डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होता है कि हमारे पास वहाँ पे थिंग्स क्या क्या होंगे, लाइक एंटिटी क्या क्या होंगे, और वी कैन से कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे वहाँ पे, तो जिन्हें हम यहाँ पे रिसोर्स कहते हैं REST APIs में। तो जो हम जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट API डेवलप करने जा रहे हैं, उसमें हमारे पास रिसोर्स जो भी होंगे, सो जैसे कि एम्प्लॉय रिसोर्स हो गया, और डिपार्टमेंट रिसोर्स हो गया, और प्रोजेक्ट रिसोर्स हो गया। तो एम्प्लॉय जो होगा वो बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट्स, और एम्प्लॉय वर्क्स ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी वहाँ पे से जो हमें सेपरेट सेपरेट करनी होगी। और जब हम एक बार रिसोर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें उनके रिक्वेस्ट डिज़ाइन कैसे करने हैं। लाइक अगर मैं एम्प्लॉय के लिए रिक्वेस्ट डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, और वो रिक्वेस्ट किस फॉर्मेट में होगा, पुट, गेट, पोस्ट, डिलीट, ये किस फॉर्मेट में होगा। तो ये सारे रिक्वेस्ट हम कैसे हैंडल करेंगे, तो इस पूरे सीरीज़ में हम एम्प्लॉय APIs REST APIs में डेवलप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि एम्प्लॉय के लिए हम क्या क्या रखने वाले हैं यहाँ पे। तो हम एम्प्लॉय के लिए जैसे कि जो भी रिक्वेस्ट होगा, तो रिक्वेस्ट किस फॉर्मेट में आएगा, तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि अगर वो गेट रिक्वेस्ट होगा, और वो जो होगा स्लैश एम्प्लॉयज़ करके होगा, तो हम उसको रिटर्न कराएंगे गेट ऑल एम्प्लॉयज़। ठीक है, और गेट रिक्वेस्ट होगा और एम्प्लॉयज़ के बाद अगर आईडी मिलती है, तो हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये होगा गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ जो है, अगर बस एम्प्लॉयज़ ही आता है, तो हम पूरे एम्प्लॉयज़ को, हम सारे एम्प्लॉयज़ को सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स में। और अगर आईडी ही बस आता है, तो हम उस आईडी को लेकर हम उसे अपने डेटाबेस में फेच करेंगे, उसे सर्च करेंगे, अगर उस आईडी का मैचिंग मिलता है, तो हम उसे रिटर्न कर देंगे, तो गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। और अगर मुझे कोई नया एम्प्लॉय ऐड करना है, तो हम मेथड को डिफाइन करेंगे कि सेम मेथड एम्प्लॉयज़ ही रहेगा, मतलब जो URL होगा एम्प्लॉयज़ ही होगा, पर अगर उसका जो वैल्यू है, अगर वो पोस्ट होता है, तो हम उसे हम जो उसका मेथड जो होता है, वो अगर पोस्ट होता है और वैल्यू, या फिर जो वैल्यू है उसका पोस्ट होता है, तो हम उस डेटा को, बॉडी को हम सेव करेंगे अपने एंड पे, और हम उसे ऐड कर देंगे उस एम्प्लॉय को। ठीक है, और अगर मुझे एम्प्लॉय अपडेट करना है, तो मैं पुट रिक्वेस्ट यूज़ करूँगा। बेस्ड ऑन आईडी हम एम्प्लॉय को अपडेट करने वाले हैं, विदाउट आईडी हम अपडेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने एम्प्लॉयज़ और स्लैश आईडी लिया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे यूज़र हमें जो भी एंट्रीज पास करेगा, तो जो एंट्री होगी और हम उसे अपडेट करेंगे, तो हमें बस उस यूज़र की आईडी चाहिए, एम्प्लॉय की आईडी चाहिए, और क्या अपडेट करना है वो, तो इतने ही पार्ट पे हम उसे अपडेट कर देंगे। और डिलीट के लिए भी हमें आईडी चाहिए स्पेसिफिक एम्प्लॉय को डिलीट करने के लिए। तो हम इस तरीके से हम इस पूरे रिक्वेस्ट को मैप करने वाले हैं, और ऐसे रिक्वेस्ट हम डिफाइन करेंगे अपने पूरे एप्लीकेशन में। और ये तो रहा एम्प्लॉय का पार्ट, और हम उसके बाद हमें प्रोजेक्ट्स के भी देखने हैं कि प्रोजेक्ट्स को हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे अपडेट करना होगा इन सारी चीज़ों को। और तो अभी तो हम बस एक हार्ड कोडेड वैल्यू यूज़ करने वाले, जैसे कि मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू यूज़ किया हुआ है एम्प्लॉय कंट्रोल पार्ट में, ये रहा लाइक रिटर्न जैरे लिस्ट। तो ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, हम इसे डेटाबेस से भी कनेक्ट करेंगे, और हम डेटाबेस से भी इन डिटेल्स को फेच करेंगे। तो